Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self-Learning. UGC NET की preparation continuously चल रही है. जैसे कि आप जानते हैं कि जून के जो फॉर्म है वो आने ही वाले हैं. हो सकता है कि आज या कल में फॉर्म से संबंधी कोई भी सूचना मिल जाए कि कब तक आपके फॉर्म आ रहे हैं या फिर निकल आए. हो सकता है आ ही जाए नोटिफिकेशन. कोशिश संभावना तो यही जताई जा रही है कि आ जाएंगे फॉर्म एक दो दिन में. और अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है फिर फॉर्म जो एग्जाम होंगे थोड़े से डिले हो सकते हैं. जो उनका शेड्यूल है पहले से उससे थोड़े से लेट हो सकते हैं. लेकिन वो एक अलग बात है. प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट कर दिए कि नहीं, सबसे पहले आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है, अपने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, आपने अपना शेड्यूल बना लिया है पढ़ने का, और साथ ही सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया है. नहीं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी मुझे अपने सिलेबस की फोटो खींच के जरूर भेजेंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने डाउनलोड करके प्रिंट फॉर्म में निकाल लिया है. ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, जरूर कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. जैसे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सभी भाषाओं में करती हूँ आपका अभिवादन. और अब हम बात करते हैं आज के क्लास के बारे में. तो देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी का, उसमें हमने इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ ली है, पर्सनालिटी की थ्योरी पढ़ ली है. थोड़े से छोटे मोटे टॉपिक बच रहे हैं उस सेक्शन में जिसमें आपको पढ़ना है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन. चलिए इनके बारे में आज जल्दी से चर्चा कर लेते हैं क्या है ये. तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिविटी की. तो देखिए, क्रिएटिविटी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता. तो सृजनात्मकता क्या है इसके बारे में आपको समझना आज की तारीख में तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है वो है क्रिएटिविटी. है ना, क्यों? देखा है आपने जितने भी रील्स होते हैं लोग अलग अलग तरीके से नए नए तरीके इजाद करते हैं लोगों का टेंशन पाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. क्योंकि ये एक पैरेलल वे आ गया है आजकल, कहना चाहिए क्या, अपने आप को एक्सप्रेस करने का और एक तरीके से अपने आप को दिखाने का. बस वैसे एक बात बताऊं, मैं पहले बहुत सारे लोगों में टैलेंट हुआ करता था लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि वो किस प्लेटफॉर्म में जाकर अपने आप को दिखाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें. क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म थे तो वो हो सकता था स्कूल तक हैं, कॉलेजेस तक हैं, यूनिवर्सिटीज, चलो स्टेट लेवल कंपटीशन हो गया आपका. लेकिन उससे ऊपर जाने के लिए फिर सोचना पड़ता था कि भाई अपना जो मेन करियर है उसको छोड़ा जाए, उसको छोड़ने के बाद आगे बढ़ा जाए. लेकिन अब ये एक तरीके से ये हो गया है कि अगर आपके अंदर सृजनात्मक सोच है, आपके अंदर कुछ क्रिएटिव है, कुछ नया करने का आपके अंदर हुनर है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बहुत पॉजिटिव बात है ये, जो कि पहले नहीं थी. है ना, हमारे जो हमारे बड़े लोग हैं उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें थी. आपने जरूर देखा होगा कि आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, बहुत अच्छे से गाते हैं और उनके अंदर पेंटिंग की कुल कौशल बहुत अच्छी है. लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि वो बिजी थे अपने कामों में और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था. लेकिन अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ सृजन करना. और सृजन का मतलब क्या है, पृथ्वी में जैसे जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सृजनहार कौन है, मतलब सृजन किसने किया है, यानी पृथ्वी को किसने बनाया है, सृष्टि को किसने बनाया है, तो हम ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं. मतलब जो इस पूरे संसार को क्रिएट किया है. अब संसार के बारे में जब क्रिएशन की बात होगी तो लगेगा कि क्या पहले उसके बारे में सोच आई होगी, उसके बाद फिर उसका मतलब आधार बनाया गया, उसके बाद क्रिएशन हुआ होगा, है ना, इसी तरह से क्रिएशन हुआ. तो क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है नई चीजें लेकर आना, सामने लेकर आना, वो कहलाती है क्रिएटिविटी, है ना. अगर किसी का क्रिएटिव माइंड है और तो वो माइंड हमेशा क्या रहेगा, चलायमान रहेगा. उसके अंदर हमेशा नए नए आइडियाज आते रहेंगे, नई नई चीजें. जैसे मान लेते हैं किसी को पेंटिंग का शौक है और उसके अंदर क्रिएटिव माइंड है तो नए नए तरीके से पेंटिंग्स कैसे बनाई जा सकती है, कौन कौन से आर्ट फॉर्म होते हैं, अपने आप ही उस तरफ आपका रुझान चला जाएगा, अपने आप ही उसके बारे में आप जानना शुरू कर दोगे, है ना. और अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है तो कहते हैं ना कि अगर नहीं है तो आप कभी भी आपको क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जा सकती. तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत कुछ ये अंदर से होती है.
बाय बर्थ होती है किसी के अंदर क्रिएटिविटी। अब जैसे किसी के अंदर सृजनात्मक सोच नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो स्टेबल माइंड का होगा, किसी भी जगह सीधा कॉन्सेंट्रेट करेगा और उसको कंप्लीट करने में उसका पूरा 100% देगा। लेकिन अगर किसी का क्रिएटिव माइंड है तो कोई भी एक काम करते वक्त उसको मल्टीपल डायरेक्शंस में बहुत सारी चीजें आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे और वो बहुत सारे आइडियाज में अलग अलग तरीके से उसको नई चीजें डेवलप करने का मन करेगा, तो वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये मेनली बात होती है क्रिएटिविटी। तो सबके अंदर थोड़ा बहुत तो क्रिएटिव होता ही है, सृजनात्मकता क्षमता ही होती है। लेकिन अब इसको हमें थोड़ा टेक्निकल वे में समझना है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। स्टेंगर ने कहा है, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नवीन अन्यता अनन्यता का उत्पादन ही सृजनात्मक सोच होती है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करना मतलब हाउ टू एक्सप्रेस, ठीक है। क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन संरचना का उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, ठीक है। तो नई चीज बनाना, नई चीज को एक्सप्रेस करना, ये सब क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म में चले जाते हैं, क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम हिंदी में लिखिए, तो एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक है। देखो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं आप बहुत अच्छे से हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को के टर्म्स को समझना जरूरी है। इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते, जरूरी है ना, इसलिए टर्म्स को समझिए। हिंदी में मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदी भाषी हूँ। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है तत्व, क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। कौन कौन से तत्व हो सकते हैं सृजनात्मकता के, तो गिलफोर्ड जो हैं, गिलफोर्ड वही जिन्होंने त्रिविमीय सिद्धांत दिया था बुद्धि का, गिलफोर्ड कहते हैं कि पांच विशिष्ट संक्रियाएं होती हैं जिनके प्रकार इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया संज्ञान, संज्ञान, संज्ञान का को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन, कॉग्निशन, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, जब हमारी सोच की बात होती है तो कहा जाता है संज्ञान। फिर आता है स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होगा मेमोरी, ठीक है, स्मृति याददाश्त जिसको कहा जाता है। विचलित चिंतन, विचलित चिंतन मतलब डाइवर्सिव, डाइवर्जेंट माइंड, फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, फिर आता है इवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया गिलफोर्ड ने कि अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धिमत्ता उसी हिसाब से कार्य करेगी, है ना, उसके अंदर खोज करने की प्रवृत्ति होगी, डिस्कवरी रीडिस्कवरी करने की सोच होगी। जैसे आप मैं से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट मुझे आज ये जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके अंदर क्या हॉबी है आपकी, किस तरीके की आप कुछ मदर अदर देन आपका जो रूटीन वर्क है उससे क्या ऐसा है जो आप अलग से कर सकते हैं। कोई जैसे पेंटिंग बहुत अच्छी करता होगा, कोई डांस अच्छा करता होगा, किसी को कुकिंग का बहुत अच्छा शौक होगा, किसी को अन्य तरह की कोई आपकी एक तरह से एक हॉबी होगी, है ना, तो वो मुझे जरूर बताइएगा, है ना। वहीं से आपका ये सारी चीजें निकल आएंगी। अगर सपोज करते हैं किसी का कुकिंग में बहुत अच्छा रुझान है ना, उसको क्रिएटिव आता है,
तो बहुत अच्छे से कैसे आप नई नई डिशेस को बना सकते हैं, नई नई डिशेस को डिस्कवर कर सकते हैं, है ना, और उनको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपको किसी को आपको प्रेजेंट करके मतलब आपको टेबल सर्व करना है, उसकी तरह से आप किस तरह से उसको नए नए तरीके से सर्व कर सकते हो, कैसे कटिंग कर सकते हो, तो पहले आपको खो जाएगी, बुद्धि में आएगा, फिर उसके बाद मेमोरी, मतलब आप याद रखोगे कहाँ कहाँ से आपने कुछ कुछ देखा था, उस तरीके से आप उससे सोच का आपने क्या ले लिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद उसको अपने कामों में ढाल दिया। डाइवर्जेंट माइंड, हाँ मैंने बोला ना डाइवर्जेंट माइंड, मतलब माइंड हमेशा क्या डिस्ट्रैक्ट रहता है, कभी एक जगह पर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी अलग अलग तरीके की थिंकिंग बार बार चलती रहती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब उन सभी को जोड़कर एक जगह पर लेकर आना है आपको, जो अलग अलग सोच विचार आपके चल रहे हैं ना, उन सबको एक जगह लेकर आना है। और फिर मूल्यांकन, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो गिलफोर्ड के अनुसार कॉग्निशन मतलब संज्ञान, मेमोरी मतलब याददाश्त यानी कि स्मृति, डाइवर्जेंट का मतलब होता है विचलित माइंड, अलग अलग तरीके की सोच होना आपका, ठीक है। और उसके बाद में आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अभिविन्दुक चिंतन, जिसको कहते हैं सही उत्तर ज्ञात करना, जैसे प्रदत्तों का निष्कर्ष निकालना। और फिर मूल्यांकन मतलब आपको जो भी आपने सीखा है समझा है उसको इवेल्युएट करना, उसको शुद्ध करना, ठीक है। तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, पहचान कैसे कर लेते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग अपनी जो हॉबीज होती है ना उसकी पहचान करने लगे हैं और खुल के बताने भी लगे हैं। पहले के समय में बताने में डरते थे लोगों को ये ना लगे, हाँ जैसे कोई मान लेते हैं उसको लगता हो कि बहुत अच्छी सिंगिंग करना जानता है, लेकिन उसको डर लगता था कि किसी के सामने अगर बोल दिया कि मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग करना, लोग डर लगता था कि कहीं उसका मजाक ना उड़ाए कोई कि हाँ गाते आवाज में दम नहीं है गाना गाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर सिंगर की आवाज पतली हो ना, ये गाने के लिए जरूरी होती है रिदम आए आपको, आपको बीट सुनाई दे, समझ में आई नई नई चीजें, है ना। तो ये सब कुछ है, पहले बहुत हेजिटेट होते थे लोग। तो कैसे कर सकते हैं आप उसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान कैसे कर सकते हैं कि किसी के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है। तो मौलिकता, सबसे पहले तो बात यही है कि सृजनशील व्यक्ति मौलिक रूपों में, मौलिकता अनेक रूपों में पाई जाती है। हर व्यक्ति जो होगा ना सृजनशील होगा, वो नैतिक होगा, अननेसेसरी फालतू की बात नहीं करेगा वो। फिर स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब सृजनशील व्यक्ति अपनी स्वायत्तता के प्रति भारी लगाव होता है, मतलब अपने खुद की क्रिएशन, मैं खुद करूँ कुछ, है ना, इससे नहीं कि कोई बना बनाया कुछ दे दे तो मैं बस खा लूँ, उसके अंदर ये होगा कि मैं खुद करूँ, अपनी स्वायत्तता पर उसको लगाव होता है। जब तक उसकी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती उसके अंदर व्याकुलता बनी रहती है। स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, जो भी क्रिएटिव व्यक्ति होगा उसके अंदर स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति होगी, हमेशा वो इसलिए नहीं बैठा रहेगा कि अगला मेरे लिए निर्णय ले दे, वो क्रिएटिविटी अपने अंदर दिखाएगा और अपने निर्णय खुद लेगा। फिर आता है संवेदनशीलता, उसके अंदर सेंसिटिविटी भी होगी, हर चीजों को वो सेंसिटिविटी समझेगा सीखेगा। फिर आता है उत्सुकता, जानने की समझ, बहुत जिज्ञासा होती है उसके अंदर कि किस तरीके से क्या हुआ होगा, अच्छा ये पेंटिंग बनी है तो किस तरह से बनी होगी, मतलब वो जानने की कोशिश करेगा। फिर आता है परिहास प्रियता, मतलब परिहास करना, मतलब एक तरह से परिहास का मतलब होता है उल्लास करना, मतलब सृजनशील व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण रहता है ना, उसको खेलों में आनंद मिलता है। परिहास करना मतलब एक तरीके से प्रहसन जो होते हैं उसमें सृजन करते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा समस्या का सामान्यीकरण करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको कैसे सेंट्रलाइज किया जा सकता है ये करते हैं। चिंतन की प्रवाहिकता होती है, शब्द की प्रवाहिकता होती है, साहचर्य की प्रवाहिकता होती है, और उसके साथ में आदर्शात्मक चिंतन होता है उनका, ये सब क्वालिटीज होती हैं अगर कोई व्यक्ति सृजनात्मक सोच वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं
विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो सृजन करता है या सृजनात्मकता उसके अंदर है, क्रिएटिव सोच है, तो उसकी बुद्धि हमेशा प्रखर होगी, बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि खुश रहता है, वो क्रिएटिव रहता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, अगर उसके माइंड क्रिएटिव है ना तो कभी खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर चलता रहता है, तो मानसिक स्वस्थ होता है वो, विचारगामी होता है, हमेशा उसके अंदर विचार चलते रहते हैं, आत्म प्रकाशन होता है, मतलब अपने आप को अच्छे से जानता है, समझता है खुद को, अंतर्दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, विचारों और कार्यों में स्वतंत्रता होती है, ठीक है, जिज्ञासु होता है, उच्च श्रेणी का जागरूक व्यक्ति होता है, कल्पनाशील होता है, स्वस्थ अनुशासन होता है, अपने आप का अनुशासन, ये नहीं कि किसी ने टाइम टेबल बना दिया उसके हिसाब से चल रहा है, उसके अंदर खुद का अनुशासन होता है, उसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, वो अपने काम खुद करना और अपने हिसाब से करना पसंद करता है, जीवन की स्पष्टता को समझता है, गलतियों को स्वीकार करता है, एक्सेप्टेंस करता है, उसकी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको स्वीकार कर लेता है, अपनी आयु में उससे अधिक परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, जितनी उसकी एज होगी ना उससे अधिक उसकी मैच्योरिटी होगी, उत्तरदायित्व निर्वहन करने की गंभीरता होती है, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता होती है। तो ये सारी क्या होती है, विशेषताएं होती है एक सृजनात्मक सोच वाले व्यक्ति की, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है ना तो वो कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता, वो हमेशा अपने काम अपने निर्णय खुद लेगा। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनके माइंड में नए नए आइडियाज मार लेते रहते हैं ना, वो किसी के अंडर काम नहीं करते। फिर आते हैं लेवल, लेवल्स देख लेते हैं हम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो देखिए अभिव्यंजन सृजनात्मकता, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसको नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट है एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, फिर होती है प्रोडक्टिव, फिर होती है इनोवेटिव, फिर होती है मॉडिफाइड, फिर होती है ऑर्गेनाइज, ओरिजिनेटिव, ठीक है। एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी क्या होती है, इस प्रकार के सृजन में व्यक्ति क्या करता है, नई नई चीजें एक्सप्रेस करने की गुणवत्ता उसके अंतर्गत होती है। प्रोडक्शन के लिए मतलब नई चीजों का उत्पाद करने की, बनाने की होती है। आविष्कारशीलता, इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ भी उटपटांग सामग्री है उसको दे दो गलत सलत, उन सभी से वो नई चीज बना लेगा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वो देखा होगा, जो बात है ना क्या मास्टर शेफ, उसमें देखा होगा कई सारी अलग अलग तरीके की आइटम्स दे दिए जाते हैं, कटहल दे दिया और साथ ही में आपको अमूल क्रीम दे दी और खा के डिश बना दो। अब बताओ कटहल के साथ में क्रीम के साथ में किस तरीके से कोई स्वीट डिश बना सकते हैं, पर बनाते हैं लोग, मतलब वो क्या है, उस लेवल की क्रिएटिविटी है उनके अंदर। इसके बाद में नवाचार है, मॉडिफाइड का मतलब होता है नया, अच्छा पहले कुछ सीखा था उनकी दादी नानी ने कुछ सिखाया था लेकिन उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके नई चीज बनाई जा सकती है उसको बताते हैं। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेटिव होता है, जिसमें आता है जिसमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है चीजों को, ओरिजिनेट करना पड़ता है, सॉरी, जैसे लेखन हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया, पेंटिंग हो गया, नृत्य हो गया, डांस हो गया, कितने सारे फॉर्म्स आ गए हैं आजकल नई नई चीजों के। और आजकल तो इतना कॉम्पिटिशन का जमाना है कि जो भी चीज मतलब बहुत ही मीडियोकर है उसको लोग कोई जानना भी पसंद नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, जिसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें हैं ना, कुछ नया देखने को मिलता है उसको देखते हैं। रील्स का जमाना है, जितनी क्रिएटिविटी है उतनी सारी रील्स बनती है, लोग फिर उतनी ज्यादा रील्स को देखते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी रील बना रहा है तो कोई देखेगा ही क्यों, है ना। तो ये सारी चीजें है ना, तो आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। फिर आगे बात आ जाती है थ्योरी की, बात कर लें हम क्रिएटिविटी की कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो एक तो बात कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे मिलती है हमें, तो पहले तो बात ये कहते हैं गॉड गिफ्टेड होती है ना, कई लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड होती है।
वंश परंपरा से आती है, मतलब आपकी हेरिडिटी में आती है, जैसे कहते हैं ना पारंपरिक गायक है, मतलब उनके घर में उनके दादा भी गाते थे, फिर उनके पिताजी भी गाते थे, फिर उनका बेटा, मतलब पूरा हायरार्की में चला आ रहा है। पर्यावरणीय सिद्धांत है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट में होता है तो हो सकता है क्रिएटिविटी आ जाए। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि जब मैं एक मेरे पापा की जॉब ऐसी ट्रांसफर वाली थी, तो कहीं अलग अलग जगह हमें रहने मिलता था, तो कहीं हम जाते थे, अगर हमें हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे मतलब कलाकार टाइप के लोग हैं, तो उनके साथ रह के उनके जैसा बनने का मौका मिलता था, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता था, तो वो चीज़ें अपने अंदर भी अडॉप्ट हो जाती हैं, तो है ना, ये हो जाता है। फिर स्तर का सिद्धांत हो जाता है, लेवल थ्योरी हो जाती है, मतलब अलग अलग तरीके के स्तर से इंसान आगे बढ़ता है। तो क्रिएटिविटी को आप अच्छे से समझ सकते हैं, सृजनात्मकता में हमने ये सारी बातें करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। तो आजकल क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि अभी हमारी नवीन शिक्षा नीति जो है, नवीन शिक्षा नीति में भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप वही सारी चीज़ें सीखो पढ़ो जो पहले से हो चुकी है, नई चीज़ जानने की कोशिश करो, नया कुछ बनाने की कोशिश करो, नया सब कुछ लाने की कोशिश करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और उस हिसाब से काम करो, ताकि आपका जो आपने भी जो कुछ भी पढ़ा लिखा है ना, उसको आप किस में कन्वर्ट कर सको, अपने रोजगार में उसको कन्वर्ट कर सको। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने प्रकार से होती है, तो जब हम इन चीजों के बारे में जानते हैं कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो ये कुछ रिलेट करती है आपकी बुद्धि से, आपकी पर्सनालिटी से। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना काम करते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो खुला होता है, ओपन होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस तरीके के टर्म्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं नए नए तरीके से प्रॉब्लम होती है, उनको देखना और उसके बाद उनको सॉल्व कर, ठीक है। इसके बाद में कॉग्निशन की बात की जाए, मेटा कॉग्निशन की बात की जाए, तो जहाँ कहीं भी संज्ञान की बात होगी, मतलब बुद्धि के कार्य की बात होगी, उसको हम कहेंगे कॉग्निशन, मतलब संज्ञानात्मक सोच, ठीक है। तो ये सारे ही पार्ट किससे संबंधित है, आपकी इंटेलिजेंस से संबंधित है, पर्सनालिटी से संबंधित है, और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मेटा कॉग्निशन को मैं और अच्छे से समझा दूंगी आपको, क्योंकि इसमें आता है कुछ कुछ अलग से, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे अपना प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सारे स्टूडेंट्स रेडी रहिएगा लर्निंग की थ्योरीज पढ़ने के लिए। इसके पहले आपको टास्क दे रही हूँ, मैंने लर्निंग की थ्योरीज पर जैसे कि संरचनात्मकता, बिहेवियरिज्म की थ्योरी, संरचनावाद, सोशल थ्योरी, ये सारी चीज़ें पहले बनाई हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको पूरी तरह से, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है, सिलेबस बहुत सारा है और समय बहुत कम है, ठीक है। तो कुछ कुछ काम को आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, तो सारे स्टूडेंट्स उससे देख सकते हैं, और आज भी जो मैं पढ़ाऊंगी उसको भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों ही भाषाओं में आपको समझ में आए। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो पूछो, बिंदास होके मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे हिंदी है उसका अर्थ क्या होगा इंग्लिश में, इंग्लिश है तो हिंदी में क्या होगा, ठीक है। तो क्लास को करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, नई यूनिट की स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बिहेवियर, कॉग्निशन, सोशल थ्योरी को, और सभी को बाय बाय, गुड नाइट, और गेट सक्सेस, पढ़ते रहिए।